चुनावी वर्ष में आरा वासियों को एक नई सौगात मिली है। मंगलवार को राजेंद्र नगर से चलकर दुर्ग को जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस का विस्तार आरा जंक्शन तक कर दिया गया है। इस ट्रेन के आरा से परिचालन को लेकर काफी दिनों से लोग मांग कर रहे थे और यह मांग अब पूरी हुई है। इस ट्रेन को आज केंद्रीय मंत्री सह आरा के सांसद आर के सिंह हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। इस ट्रेन को आरा तक विस्तार देने से भोजपुर जिला समेत आसपास के कई जिलों के लोगों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। वहीं इस ट्रेन की यात्रा के लिए बुकिंग भी आज से ही शुरू हो गई है। आरा आरक्षण कार्यालय के आरक्षण पर्यवेक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि वैसे तो पहले से कई ट्रेनों का विस्तार आरा तक हो चुका है, लेकिन दुर्ग एक्सप्रेस के आरा से परिचालन होने से यात्रियों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा और आरा ही नहीं छपरा और सासाराम सहित बक्सर के यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। 13288 आरा दुर्ग एक्सप्रेस आरा से शाम 6:45 बजे दुर्ग के लिए रवाना होगी। वहीं 13287 दुर्ग एक्सप्रेस सुबह 8:30 बजे दुर्ग से आरा पहुंचेगी। इस ट्रेन का विधिवत शुभारंभ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सहारा के सांसद आर के सिंह 20 फरवरी को आरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर दुर्ग के लिए रवाना किए। इसको लेकर तैयारियां पूरी भी कर ली गई थी। आरा रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री एक जनसभा को भी संबोधित किए। वहीं जिले के लोगों में भी इस ट्रेन के विस्तार से काफी खुशी का माहौल है। मालूम हो कि दुर्ग एक्सप्रेस से पहले भी आरा जंक्शन पर आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का ठहराव और विस्तार मिल चुका है। पहले से रुकने वाली ट्रेनों में भागलपुर आनंद विहार, विक्रमशिला एक्सप्रेस, आरा टाटानगर एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर नई दिल्ली, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, रांची आरा एक्सप्रेस समेत कई लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल है। दोस्तों, आरा के विकास पर आपके क्या विचार है कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद।